हेलो एवरीवन, संस्था के द्वारा किस तरीके से टेस्ट सीरीज जूम मीटिंग में चलाई जाएगी, आज हम एक मॉडल के द्वारा देखेंगे कि मॉडल आंसर कैसे दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज कैसे चलेगी। तो आइए देखते हैं, आज जो टॉपिक है वो क्वेश्चन का वो होगा प्लासी का युद्ध। इसमें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं और कैसे हम एक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके दूसरे ईयर में कंफर्टेबल नंबर को ले सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए थे। ठीक है, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वह है अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी, मतलब पूरी नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पाश्चात्यकालीन युद्ध, पाश्चात्यकालीन युद्ध यानी बाद के कालों में जो युद्ध हुए उसमें पूरी तरह से पराजित कर दिया गया होता, तब प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाता। पर वह हटा ना, भारत का इतिहास बनकर रह जाता। ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि कैसे जो है, अगर यह जो है एक महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, इवन दो इसके बाद की अगर किसी ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया जाता तो प्लासी का युद्ध मात्र एक घटना बनकर रह जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा 2014 में आया था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध 1857 इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित करता है। यहाँ हमें दिखाना था कि ऐसे क्या परिणाम हुए जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में विजय की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि प्लासी की युद्ध के पश्चात भारत में किस प्रकार से मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर गया, ये क्वेश्चन 2016 का है। अगर देखिए, अगर इस 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए तो ये 2014 के क्वेश्चन की तरह था, अर्थात अगर हमने 2014 के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होता तो 2016 में आने वाले इस क्वेश्चन को हम इजीली टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध जिसने अंग्रेजों के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव के षड्यंत्र से जीता, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्या हमें घटनाक्रम बताना है कि कैसे प्लासी के युद्ध को क्लाइव ने जीता था। तो अगर हमें इसके परिणामों की और नेक्स्ट लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चनों को हमने देखा और हमने देखा कि प्लासी के युद्ध ने किस प्रकार से रिजल्ट किया और कितनी दूर तक प्रभावित किया था, तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए फिर इजी हो जाता, बशर्ते कि हमें घटनाक्रम मालूम होने के बावजूद भी कभी कभी तथ्य याद नहीं आते। तो इसी के लिए जरूरी है कि हम उसको प्रैक्टिस करते रह जाए। फिर है प्लासी के बाद के दशकों में 1773 से 1853 के दौरान कंपनी मामलों के कार्यों पर संसदीय नियम यहाँ नियम होंगे, संसदीय नियम लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई थी। ये 2016 में है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 73 से लेकर 1853 की सभी घटनाएं मालूम होनी चाहिए। फिर है प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक क्यों गिना जाता है, विवेचना कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पर हम शुरुआत को देखें, यहाँ पर हम देखें कि निर्णायक क्यों रहा, इन सभी क्वेश्चनों को अगर हमने एक बार अच्छे से कर लिया तो फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करने में हम दक्ष होंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए आए हो वो आपको करा दिए जाए जिससे आप अपने एग्जाम में कंफर्टेबली उसे सॉल्व कर सके। कई क्वेश्चन को हम देखें, इससे पहले हम थोड़ा सा घटनाक्रम की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जब बहुत दिन उसे पढ़े हुए हो जाता है तो हमें रिविजन की जरूरत पड़ती है। तो एक क्वेश्चन करने से पहले हम उससे संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध यह कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 में हुआ था, यानी कि जून की घटना है जो 1757 में यानी 1757 को घटित
हुआ था और कहां पर हुआ था, तो भागीरथी के नदी के किनारे ये प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, प्लासी नामक स्थान पर जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। तो आइए देखिए कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण प्लासी का युद्ध घटित हुआ था। तो अगर प्लासी के युद्ध की घटनाक्रम को हम देखें तो सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी, और पृष्ठभूमि की बात करें तो सल्तनत काल से ही बंगाल एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में था जो सदियों अलगाव की स्थिति चाहता था, और यहाँ के शासक स्वतंत्र होना चाहते थे, जिसपे हम बख्तियार खिलजी, बुगरा खां, मुर्शीद कुली खां जैसे शासकों का नाम ले सकते हैं। बख्तियार खिलजी, बुगरा खां, मुर्शीद कुली खां ये सब ऐसे हुए थे जो बंगाल की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हम बता सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भी पश्चिम बंगाल का इतना महत्व था, और सल्तनत काल से दूरी के कारण यहाँ पर शासकों के आकर्षण का केंद्र था, और वो सदैव स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहते थे। अब सामरिक कारणों में देखें तो चूंकि नदी के किनारे और व्यापार की सुगमता होने के कारण क्या था, बस बंगाल जो है वह व्यापार के लिए सुगम था, इसीलिए अंग्रेजों की दृष्टि यहाँ पर आकर्षित हो रही थी। अब राजनीतिक घटनाक्रम में देखें तो राजनीतिक घटनाक्रम में दो तरह से देखना पड़ेगा। एक तो आंतरिक इंटरनल, एक इस आंतरिक घटनाक्रम को हम देखेंगे, दूसरा हम बाह्य घटनाक्रम को देखेंगे। अगर हम आंतरिक घटनाक्रम में देखें तो जब 1756 में सिराजुद्दौला शासक बने थे, उसी समय से लेकर कुछ अराजक तत्व, तो कुछ सहयोगी भी उनके विरोधी थे, जिसमें आप घसीटा बेगम का नाम ले सकते हैं जो उनकी मौसी थी, शौकत जंग जो पूर्णिया का शासक था वह, और जगत सेठ जो व्यापारी था पश्चिम बंगाल में, बैंकर था जगत सेठ, और अमीचंद जो व्यापारी था। इन सभी को क्या था, अब सिराजुद्दौला की स्थिति नागवारा थी, और ये इसके पीछे से षड्यंत्र करते रहते थे कि इन्हें कैसे पद से हटाया जा सके। तो हमने देखा कौन कि हाँ, और इनके इनके खुद के जो सेनापति थे मीर जाफर, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इनमें, तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का क्या सेनापति था, या कौन थे तो सेनापति थे, और उसके अलावा राय दुर्लभ जो इनके दीवान थे, राय दुर्लभ ये सभी कौन थे, ये कुछ इनकी शासन सेना में शामिल थे और कुछ इनके करीबी होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला से क्या करते थे, प्रतिद्वंदिता रखते थे, जो इनके लिए बहुत घातक हुआ। तो आंतरिक पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था आंतरिक रूप से क्या था, षड्यंत्र और कूटनीति की तरफ बढ़ रहा था। अगर बाह्य कारणों में देखें तो हम देख सकते हैं कि सप्तवर्षी युद्ध कब चल रहा था, तो 1756 से लेकर 1763 तक, 56 से 63 तक क्या था, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन की सेना आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रही थी। तो कौन थे, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में भिड़े हुए थे, जिसका परिणाम हमने कुछ हद तक कर्नाटक युद्ध में भी देखा। तो ये दोनों सेनाएं आपस में क्या है, संघर्षरत थी। इसका परिणाम ये था कि जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी थी, कहां, अलीनगर, चंद्रनगर में, तो चंद्रनगर में जो फ्रांसीसी कंपनी थी और जो ब्रिटेन का फोर्ट विलियम जो इनके किले थे, इन्हें क्या ये करना इन्हें ये किले बंदी करवाना चाहते थे, किले बंदी कर रहे थे किससे, जब यहाँ सप्तवर्षी युद्ध चल रहा था यूरोप में 56 से 63 के बीच में, तो फिर ये अपने अपने किलों की यानी ब्रिटिश जो है फोर्ट विलियम की और फ्रांसीसी क्या है चंद्रनगर की घेराबंदी कर रहे थे। इस घेराबंदी को सिराजुद्दौला के द्वारा मना करने पर फ्रांसीसी कंपनी तो मान गई, लेकिन ब्रिटिश कंपनी नहीं मानी। अब नहीं मानी तो फिर इसी पर आगे हमारी क्या होगी, युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी, और यही फोर्ट विलियम की जो किलेबंदी है वो तात्कालिक कारण बन के हमारे प्लासी के युद्ध को आगे ले जाता है। तो आइए देखें, तो हम यहाँ आंतरिक और बाह्य कारण बता सकते हैं। आगे हम इसे घटनाक्रम में देखते हैं, फिर राजनीतिक और आर्थिक कारणों में देखें तो आर्थिक कारणों में क्या था, एक तो कर्नाटक के युद्ध के बाद जो लाभ ब्रिटिश कंपनी को मिला था वह क्या था, वो बहुत ही
उत्साहित हो चुके थे, तो इनका आर्थिक रूप से लाभ का जो मनोबल था वह बहुत हाई हो चुका था। दूसरा क्या था जो इन्हें फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में शाही फरमान दिया गया था, इसका आर्थिक लाभ भी चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था, जिसके कारण ये क्या करना चाहते थे, अपने लाभ को अत्यधिक इंक्रीज करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। और दूसरा क्या है, ये फ्रांसीसी कंपनियों की भी प्रतिस्पर्धा को खत्म करना चाहते थे, इसलिए बंगाल को प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। तो आर्थिक कारण कौन कौन से थे, तो इनके जो है फरमान के द्वारा लाभ प्राप्ति की उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये इसे लेना चाहते थे। अब अगर तात्कालिक कारणों पर निगाह डालें तो जैसा भी हमने राजनीति में दिखाया कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या कर रहे थे, फोर्ट विलियम कंपनी में अपनी घेराबंदी कर रहे थे, और इस घेराबंदी के क्रम तो फोर्ट विलियम किले की जो घेराबंदी चल रही थी उसी क्रम में इन्होंने क्या किया, आगे बढ़कर जो है घटना को अंजाम तक पहुंचाया। तो कैसे पहुंचा, आइए देखते हैं। तो फोर्ट विलियम की जब घेराबंदी हो रही थी तो फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला के द्वारा क्या हुआ, जून 56 में, मतलब 1756 में क्या हुआ, हमला करके जो फोर्ट विलियम किला था उस पर क्या हुआ, कब्जा कर लिया गया। और जब 56 में कब्जा कर लिया गया तो ब्रिटिश कंपनी के लिए ये नागवारा था, और यही से क्या हुआ, एक काल कोठरी की घटना का नाम जुड़ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम किले पर अपना आधिपत्य जमाया तो इन्होंने 146 अंग्रेजी अधिकारियों को क्या किया, कैद में बंद कर दिया, और कैद में बंद करने के बाद केवल 23 ही सुरक्षित बने और सुरक्षित बचे थे। जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची कि फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला के द्वारा क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया, हमने देखा कि चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी थे तो अपने किले की घेराबंदी रोक दी थी, लेकिन अंग्रेजी कंपनी ने इसकी घेराबंदी नहीं रोकी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने 1756 पे इस पे हमला करके अधिकार कर लिया, और जैसे इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो फिर वाटसन जल मार्ग से, और क्लाइव वाटसन क्या करता है, जल मार्ग से कहाँ पहुंचता है, बंगाल में, और क्लाइव थल मार्ग से पहुंचते हैं, और इन्होंने क्या किया कि फोर्ट विलियम पर फिर से अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी जनवरी में इनका अधिकार हो जाता है, और फरवरी में इन्होंने सिराजुद्दौला को विवश किया कि उनके साथ फरवरी 1757 में क्या हुआ, अलीनगर की संधि हो जाती है। तो किसकी, अलीनगर की संधि होती है। इस अलीनगर की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को क्या हुआ, फोर्ट विलियम किले की घेराबंदी का अधिकार मिल गया, मतलब वो अपना घेरा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें टकसाल स्थापित करने की अनुमति भी मिल गई कि वो अपने सिक्के जारी कर सकते थे, और इन्हें कर मुक्त व्यापार की भी अनुमति मिल गई। कर मुक्त व्यापार की क्या हुआ, अनुमति मिल गई। तो अलीनगर की संधि से क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी अति उत्साहित थे, तब से उन्होंने देखा कि यहाँ बंगाल में आंतरिक रूप से, अब चूंकि उनका कर्नाटक का भी अनुभव था, तो जब इन्होंने देखा कि बंगाल में आंतरिक रूप से क्या षड्यंत्र चल रहा था, आंतरिक रूप से, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि आंतरिक रूप से षड्यंत्र में कौन, ये घसीटा बेगम, पूनिया के नवाब शौकत जंग, मीर जाफर, उनके सेनापति राय दुर्लभ, और दीवान जगत सिंह, और बैंकर अमीचंद व्यापारी, ये अमीचंद व्यापारी थे, और बैंकर कौन, जगत सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। फिर इस कंपनी ने इसका फायदा उठाया, और कंपनी ने क्या किया कि सेना, जो यहाँ का सेनापति है कौन, मीर जाफर, तो मीर जाफर के साथ कंपनी ने क्या किया, समझौता किया कि अगर वो उनका साथ देते हैं तो बंगाल का नवाब इसे बना दिया जाएगा, और बदले में कंपनी को 24 परगने की जमींदारी दी जाएगी। मीर जाफर ने क्या किया, इसको मान लिया, और इसी घटना में कंपनी को क्या हुआ, आंतरिक लोगों को षड्यंत्र के साथ क्या हुआ, घटना के परिणाम तक पहुंचाया, और 23 जून को दोनों, यानी कि इधर सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी तरफ क्या है, क्लाइव की सेना, आमने सामने हो गई, और कुछ ही घंटों में। क्यों, क्योंकि जो मीर जाफर थे और राय दुर्लभ दीवान थे, ये दोनों किसी भी प्रकार से एक किनारे खड़े हो गए, और इन्होंने क्या किया, युद्ध में साथ नहीं दिया, बल्कि मीर मदान क्या है, लड़ते हुए मारे गए, और सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ा। इस प्रकार ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है और कंपनी की विजय
हो जाती है, जिसके बाद क्या है, संधि के तहत इसका परिणाम क्या होता है कि मीर जाफर शासक नवाब बन जाता है बंगाल का, मीर जाफर नवाब बनता है और फिर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किसके, कंपनी के हाथों में आ जाता है और कंपनी को 24 परगने की क्या है, जमींदारी मिल जाती है, उसे टकसाल स्थापित करने की भी अनुमति मिल जाती है और साथ ही साथ कंपनी को क्या हुआ, यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियां भी दे दी जाती हैं। तो ये परिणाम था किसका, प्लासी के युद्ध का। अब हमने जब घटना और उसके परिणामों को देख लिया तो आइए हम एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे दो तीन क्वेश्चन, मतलब आने वाले ईयर में वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने घटना देखा और घटना का परिणाम देखा, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो एक हमारे क्वेश्चन लिया कि 23 जून 1757 मध्य युग की समाप्ति तथा आधुनिक युग की शुरुआत होती है। यही क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में हम एनालिसिस करेंगे, हम घटना जानने के बाद भी अगर हमसे कोई प्रत्यक्ष रूप से पूछे कि कैसे ये मध्य युग की समाप्ति था और आधुनिक युग की शुरुआत, तो हो सकता है हम इस पे गलतियां कर दें। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस एक तो इसके परिणाम में हम दोनों ही स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ आधुनिक युग की शुरुआत थी, लेकिन हमारे पास ठोस तर्क होने चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसके पक्ष में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने इसका इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे तो कैसे हम करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे उपरोक्त कथन इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी, किसकी, साम्राज्यवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है। तो मतलब इतिहास लेखन में जो साम्राज्यवादी थे उन्होंने क्या किया, ये कथन दिया कि हाँ मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत थी। ये चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमें स्पष्ट करना होगा कि हम इस तर्क के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर साम्राज्यवादियों ने जहाँ एक और 18वीं सदी को अंधकार युग घोषित करने का प्रयास किया, वहीं प्लासी को असकारात्मक परिवर्तन का प्रारंभ बताकर अपने साम्राज्यवादी औचित्य को स्थापित करना चाहिए। यानी हमने स्पष्ट भी कर दिया कि क्यों क्यों ऐसा जो है कंपनी कर रही थी, क्यों ऐसा जो है साम्राज्यवादी कर रहे थे, जिससे वो भारत में जैसा शासन चला रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं उसके औचित्य को वो स्थापित कर सके। नेक्स्ट है कि प्रारंभ, और अतः इस कथन की सत्यता को तलाशने के लिए हमें प्लासी के परिणाम और उसके तहत होने वाले निरंतरता और परिवर्तन के तत्व को चिन्हित करना होगा। अर्थात हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण तो है, लेकिन हम इसे इसे इनकार भी नहीं करते और सहमति भी नहीं जता रहे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, क्या इसे मानना उचित होगा या नहीं। अब हमने इस पे तर्क देंगे, हम तर्क देंगे तो हम कैसे तर्क दे सकते हैं। देखिए, अब अगर हम प्लासी के परिणामों पर देखें और चर्चा करें तो जैसा कि हम राजनीतिक दृष्टि से क्या जानते हैं कि मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो किसे बनाया गया, मीर जाफर। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेतृत्व के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम देखें उत्तरदायित्व, तो उत्तरदायित्व के स्तर पर भी कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीति में जो नेतृत्व और उत्तरदायित्व का प्रश्न है वह भारतीयों के हाथ ही है। तो कैसे कैसे हम कह दें कि मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत है। तो राजनीतिक दृष्टि से हम दिखा सकते हैं कि कैसे एक कठपुतली शासन का तो उदय हुआ, लेकिन लेकिन ये नहीं था कि उत्तरदायित्व और नेतृत्व में परिवर्तन हुआ हो, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था। फिर देखिए प्रशासनिक दृष्टि से, देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो पहले निजामत की व्यवस्था चलती थी और उसके अंतर्गत प्रशासन और न्याय चलता था मुगल काल से, वही व्यवस्था चली आ रही है। यानी कि क्या है, हमने ने प्रशासन में भी किसी प्रकार की परिवर्तन के बजाय निरंतरता के ही तत्वों को तलाशा। अब अगर आर्थिक कारणों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने आर्थिक लाभ के लिए तो सब सारे कदम उठाए, लेकिन शासक यानी कि उत्तरदायित्व का जो पद था वह भारतीयों के हाथ ही छोड़ा। मतलब जमींदारी तो मिल गई, लेकिन जमींदारी के दोहन का दायित्व तो भारतीयों को ही दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत अवश्य हो जाती है। क्या होता है, शोषण की प्रक्रिया, लेकिन प्रत्यक्ष परिवर्तन ना होने के कारण हम इसे नहीं कह सकते कि ये मध्यकाल का अंत या
आधुनिक काल की शुरुआत थे। और सामाजिक पे देखे तो समाज में तो इस आर्थिक दृष्टि से क्या परिवर्तन हो रहा था, जनता जनता प्रत्यक्ष रूप से इससे बिल्कुल अवगत नहीं थी। मतलब समाज में हम देखे तो विवाह से संस्कार की जो भी रीति रिवाज चल रहे थे, जो नियम कानून चल रहे थे, वैसे ही विराजमान थे। यानी परिवर्तन से अधिक निरंतरता के तत्व तो देखे जा सकते हैं। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का शुरुआत था। अब इसका कंक्लूजन हम देखें तो हम चूंकि हमने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में निरंतरता अधिक दिखी और परिवर्तन के तत्व कम तलाशे गए, इसलिए हम निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के भारत में 200 वर्षों के शासन का मार्ग खोल दिया। खोल तो दिया था, वास्तव में आधुनिकीकरण परिवर्तन की शुरुआत तो 19वीं सदी में आरंभिक दशकों में दिखती है, जब ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिक क्रांति में भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया। अतः प्लासी के युद्ध को क्या कहते हैं कि 19वीं सदी में हम परिवर्तन मान सकते हैं, जब औद्योगिक हित के कारण ब्रिटिश कंपनी भारत में परिवर्तन कर रही थी। अतः प्लासी के युद्ध को आधुनिक युग की शुरुआत के बजाय अंग्रेजों की सफलता की शुरुआत कहना अधिक उचित प्रतीक होगा। यानी सफलता की शुरुआत तो कह सकते हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि आधुनिक युग की शुरुआत है। अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि हम सहमत क्यों हो जाएं, तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी का एक फिर क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, यूपीएससी का ये क्वेश्चन 2014 में ही हमें उस क्वेश्चन का इंडिकेशन दे रहा है। जैसे देखिए लिखा है कि अंग्रेजों की भारत विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई। यानी यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि ये पूरी नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत के किसी पाश्चात्यकालीन युद्ध में, मतलब यानी बाद के यानी बक्सर के युद्ध में उन्हें पूरी तरीके से पराजित कर दिया गया होता, तो प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक छोटा सा किस्सा बन के रह जाता। अब अगर इस क्वेश्चन की डिमांड देखें, देखिए स्टैंड तो हमें यहीं से मिल जाता है कि नेक्स्ट ईयर जब ये क्वेश्चन देखते हैं, किस ईयर का था, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो इससे पहले ही हमें पता लग जाता है कि यूपीएससी ने 14 में वो क्वेश्चन, देखिए ये 16 में आया है, ये 16 का क्वेश्चन है। अगर हमने 14 के इस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया तो हमें पता लग जाएगा कि पहले हमें स्टैंड क्या लेना है, और स्टैंड क्या लेना है ये तो हमें पता ही लग गया कि हाँ प्लासी का युद्ध कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था। और कमीशन ये पूछ भी रहा कि अगर पाश्चात्यकालीन यानी बक्सर के युद्ध या अन्य किसी युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कर दिया जाता तो युद्ध की ये स्थिति बिल्कुल न बनती, मतलब उनके ये विजय की अभियान आगे न बढ़ता। मीन्स कि प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, जहां पर इस तथ्य को दिखाते समय हम दिखा सकते हैं पहले तो जैसा कि हमने 16 वाले में दिखाया कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पे हमने परिवर्तन दिखाया, आर्थिक और प्रशासनिक। आप परिवर्तन दिखा सकते हैं कि कैसे आप प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन हुआ, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं, इसलिए क्या था कि प्लासी का युद्ध बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था। और इसके साथ ही हम ये दिखा देंगे कि यह जो विजय थी ये षड्यंत्र की विजय थी। कैसे षड्यंत्र की, इसमें इसमें ब्रिटिश कंपनी ने किसी सैनिक शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया था, यानी कि इन्होंने नहीं दिखाया था कि वो सैनिक रूप से बहुत सशक्त है, तो इसमें किसी सैनिक शौर्य का प्रदर्शन नहीं हुआ था और ना ही किसी नेतृत्व की श्रेष्ठता का प्रतीक बना था। मतलब न तो नेतृत्व की श्रेष्ठता दिखी, न सैनिक श्रेष्ठता दिखी और ना ही उनके हथियारों की श्रेष्ठता दिखी। इस कारण से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर आप पाश्चात्यकालीन युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया जाता तो प्लासी क्या होता, प्लासी एक कहानी या किस्सा बनकर रह जाता। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे 2014 के क्वेश्चन से हमें 2016 के क्वेश्चन का जवाब मिलता है, और कैसे 2016 के क्वेश्चन से 2020 के क्वेश्चन का जवाब मिलता है। हम जो टेस्ट सीरीज चलाएंगे हमारा उसमें यही प्रयास होगा कि आपको लिंक करना सिखाया जाएगा। जब हम जूम मीटिंग में मिलेंगे तो हम आपको प्रश्नों को कनेक्ट करना सिखाएंगे और इससे प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आने वाले समय में जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो आप मेंस में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।